हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सपोर्ट मटेरियल। तो क्वेश्चन नंबर 30 मैंने यहाँ पे नोट करा हुआ है, वो लगे 7 मीटर लॉन्ग फ्लैगस्टाफ इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। कोई हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जैसे मान लो ये प्लेन हो गया, इस प्लेन पे हमारा एक टावर है, इस टावर पे हमने एक फ्लैग लगाया हुआ है, ठीक। फिर आगे बोला गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से कोई एक पॉइंट है, मान लो वो पॉइंट मेरा ये है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी कि देखो ये फ्लैग का टॉप है, ये बॉटम है, इस पॉइंट से इसके जो एंगल बनते हैं वो कितना बनता है, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो यानी कि ये जो एंगल बनेगा, ये बनेगा मेरा 30 डिग्री का, क्योंकि जितना हम नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल छोटा बनता है, और जितना ज़्यादा ऊंचा देखेंगे, अब मैं इस पॉइंट से इस फ्लैग को देखता हूँ तो मेरा जो एंगल बनेगा वो बनेगा कितना, 45 डिग्री। फ्लैग के टॉप पॉइंट को एंड बॉटम को देखने पे एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री का बनता है। फिर बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो जो ये टावर है इसकी हाइट हमसे पूछी गई, और क्वेश्चन की शुरुआत में मैं दे दिया था कि जो फ्लैग हमारा वो कितना है, 7 मीटर लंबा है, ये 7 मीटर दे दिया, मैंने इसे मान लिया ए बी सी और डी, इसे मान लेता हूँ एच, ये एच हमें फाइंड करना है, इसे फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी ए बी की, तो इसे मैंने मान लिया एक्स, जो और हमें अंडर √3 की वैल्यू दे रखी है, 1.73 यूज़ करनी है। तो यहाँ मैं मेंशन करता हूँ हाइट ऑफ लेट हाइट ऑफ टावर, जो कि मेरी कितनी है बी सी, जिसे मैंने मान लिया एच, और जो ए बी है इसे मैंने मान लिया x, हमें एंगल दे रखे 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, इसकी हमें हाइट दे रखी कितनी, 7 मीटर। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमेशा पहले छोटे वाले ट्रायंगल को सॉल्व करना, फिर हमें बड़े वाले ट्रायंगल को सॉल्व करना है। तो पहले मैं लेता हूँ छोटे वाला ट्रायंगल जो हमें दे रखा है, ये एंगल 30 डिग्री का है, ए बी और सी, ये हमारा एच है, और ये जो ये डिस्टेंस कितना है x है, मैंने लिखा इन ट्रायंगल एबीसी। सॉल्व कैसे करेंगे, हमें दो चीज़ों पर फोकस करना है, क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे तो हमें h भी फाइंड करना है और x भी फाइंड करना है, तो दोनों को ही ले लो। तो मैंने यहाँ ले लिया बीसी जो कि हमारा परपेंडिकुलर है, ए बी जो कि हमारा बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता हमारा टेन थीटा, थीटा कोण जो यहाँ पे एंगल बनाया होगा 30 डिग्री का, ये हमारा h है, ए बी हमारा एक्स है। अब टेन 30 डिग्री कितना होगा मेरा, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल का। ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल मेरी कैसे बनी है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना उस वीडियो को, समझ लेना कि टेबल कैसे बनी है। तो फिलहाल बात करते हैं यहाँ पे टेन 30 डिग्री की, टेन 30 डिग्री कितना मेरा, 1/√3, ये हमें गिवन है, ठीक। हमें निकालना क्या है, इसकी हाइट निकालनी है, तो इसमें से मैं एच की वैल्यू निकाल लेता हूँ, नीचे है ऊपर चला जाएगा, एक्स अपॉन में √3, ठीक है, ये मेरी आ गई एक्स की वैल्यू। ज़्यादा आसान रहेगा कि एक्स की वैल्यू निकाल ली जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इसे फिर मेरे को रैशलाइज करना पड़ जाएगा, तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया मेरा एच √3, इसे मान लिया नंबर मैंने 1। हमारा पहला पार्ट कंप्लीट, दूसरा पार्ट अब मैं लूँगा बड़े वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल डी बी एंड ए, अब मेरा एंगल होगा 45 डिग्री का, ये कंप्लीट एंगल होगा। देखो ये 7 मीटर ये h मीटर है, तो ये कितने हो जाएगी, 7 प्लस में h मीटर इसकी टोटल हाइट हो जाएगी। ए बी कितना मुझे दे रखा है x, तो यहाँ मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए बी डी, इसके अंदर सेम वही बी डी फाइंड करना है और ए बी भी फाइंड करना है। देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस क्या बनाएगा, टेन थीटा, थीटा कितना है मेरा यहाँ पे 45 डिग्री, बी डी 7 प्लस में h, ए बी एक्स, 10 45 की वैल्यू होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एक्स आ जाएगा मेरा, तो ये एक्स इक्वल टू आ गया 7 प्लस में एच के इक्वल आ गया। एक्स की वैल्यू में क्या गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ लिखता हूँ यूजिंग 1, 7 प्लस में एच, एक्स की जगह रिप्लेस कर देता हूँ एच √3, एच वाली टर्म एक तरफ ले जाओ, प्लस का एच उधर ही एक्स को आ जाएगा, माइनस का ये हो गया माइनस का, क्लियर। दोनों में एच कॉमन आ रहा, कॉमन निकाला, √3 माइनस का 1 आ गया मेरा, ये मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में,
अब इसको करेंगे हम रैशलाइज। रैशलाइज करने का तरीका, 7√3 माइनस का 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अपोजिट साइन से। माइनस है तो मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ। तो रैशलाइज करने पे यहाँ फॉर्मूला लगेगा, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 7√3 प्लस 1, यहाँ पर √3 का स्क्वेयर, क्योंकि ए की जगह हमारा √3 है और बी की जगह कितना आ जाएगा 1। बाकी का सॉल्यूशन मैं इसके अगले पेज पे कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया 7√3 प्लस में 1, नीचे देखो स्क्वेयर से √ मेरा कैंसिल हो गया, 3 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 3 माइनस का 1 यहाँ पे एच आया, 7√3 प्लस में 1, 3 में से गया कितना है 2 एच, कैंसिल करेंगे 7 में इसका डिवाइड दिया कितना आया 3.5। अब √3 की जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 1.73 प्लस में 1 इज इक्वल टू एच, 3.5 दोनों को प्लस करेंगे ये हो जाएगा 2.73, दोनों के बीच में साइन नहीं है, दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा मेरा 9.555। लेकिन हमें डेसिमल के बाद में दो डिजिट को डिजिट को लेना होता है, तीसरा डिजिट अगर 5 आ जाए उससे बड़ा आ जाए तो इसे 1 मान के पीछे वाले में ऐड कर देंगे, तो 55 है इसे मैं 1 मान के ऐड कर दूंगा कितना हो जाएगा 56। तो मेरी जो हाइट ऑफ टावर होगी, हाइट ऑफ टावर ठीक है, जिसको मैंने एच माना था वो मेरी होगी 9.56 मीटर, तो ये मेरी हाइट निकल के आ गई। अगर क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा होता कि इस पॉइंट का इसके फुट ऑफ टावर से के बीच का डिस्टेंस कितना है यानी कि एक्स कितना है, तो हम क्या करते, जो मेरा एच निकाला है मैंने कितना 9.56, इस वैल्यू को पुट कर देंगे इसके अंदर, एच की जगह रख देंगे 9.56 और √3 की वैल्यू कितनी मेरी 1.73, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा मेरा 16.5388। बट डेसिमल के बाद में ओनली दो डिजिट को देखा जाता है, तीसरा डिजिट 5 से बड़ा है तो इसे 1 मान के पीछे वाले में ऐड कर देंगे, 53 है तो 54 हो जाएगा। ये तो हमसे पूछा नहीं है कि भाई इसके बीच की दूरी कितनी है, अगर पूछी होती तो कितनी होती, 16.54 मीटर, और हाइट हमसे पूछी थी जो कि मैंने निकाल दी यहाँ पे कितने 9.56 मीटर। अब इसी की तरह मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नोट कर रखे हैं आपके लिए, ठीक है। जैसे कि मेरा ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट चेंज किए गए हैं। इसमें मेरी हाइट मेरी कितनी है फ्लैगस्टाफ की 7 मीटर है, बट एंगल मैंने 45/60 डिग्री दे दिया। इसमें मैं क्या पूछा गया, हाइट ऑफ द टावर, इसकी हाइट पूछी गई सिमिलरली, सॉल्व करोगे तो इसकी हाइट निकल गया है कि 9.5 मीटर। ये मेरा मैंने सेम टू सेम वही बिल्कुल सेम रखा है, और आपकी हेल्प के लिए मैंने डायग्राम यहाँ पे बना दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये आपको खुद सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और नोट किया, ये जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली बार रिपीट होता है क्वेश्चन, इसलिए डिजिट बदल बदल के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। इसके अंदर मैंने फ्लैग की हाइट कितनी कर दी 5 मीटर, और यहाँ पर हाइट ऑफ टावर मेरे अच्छे सेम, ये एक्स हो गया, एंगल यहाँ पे कर दिया मैंने 30° एंड 60°। इसमें दोनों चीज़ पूछी गई है, हाइट भी पूछी है जो कि कितनी आएगी आपकी 2.5 मीटर, इनके बीच का डिस्टेंस भी पूछा है ए से, ये एक्स है कितना निकल के आएगा आपका 4.33। ये भी आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लेना और सॉल्व करना। इसी की तरह बिल्कुल सेम एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ये वाला ठीक है। इसमें हाइट 5 मीटर है, एंगल 30° एंड 60° है, इसको मैंने सेम टू सेम एच ही रखा है और इनका बीच का डिस्टेंस मैंने एक्स ही रखा सेम। हेल्प के लिए मैंने आपके लिए डायग्राम बना दिया, यहाँ पे सॉल्व करोगे इसकी टावर की हाइट निकालोगे तो आएगी 2.5 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप ये क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे। अगर आपको वीडियो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपसे सॉल्व हुए नहीं हुए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में, ओके, बाय बाय, थैंक यू।